नमस्कार, रेनू के व्यंजन में आपका फिर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी की मठरी। इसको कैसे बनाते हैं, आइए देख लेते हैं। मेथी की मठरी बनाने के लिए यह सामग्री लगेगी: 1.5 कप मैदा, 1 कप मेथी धोकर कटी हुई, 1/2 कप बेसन, 2 बड़े चम्मच दही, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 चम्मच रिफाइंड, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी हींग और नमक स्वाद अनुसार। इन सारी सामग्रियों का हम एक डो बना लेते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम ये मैदा डालेंगे। बेसन, ये मेथी, लाल मिर्च, बेकिंग पाउडर, अजवाइन, हींग, ये दही, दही डालने से हमारी मठरी बहुत सॉफ्ट बनती है, इसलिए दही का प्रयोग हम कर रहे हैं। अब हम मिलाएंगे इसमें रिफाइंड। और अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। सबको अच्छी तरीके से हम पहले मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये डो हमारा बन गया है अच्छी तरीके से। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोई बना लेते हैं। आप छोटी बनाना चाहें तो छोटी भी बना सकते हैं, जैसा आप खाना पसंद करें। चकले पे थोड़ा सा तेल लगाकर मठरियों को हम बेल लेंगे। कांटे की मदद से इस तरीके से कर लेंगे।
मटरी हमने बेल ली है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तेल गरम हो गया हमारा, फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। फ्लेम को हम जितना ही कम रखेंगे उतनी हमारी मटरियां खस्ता बनेंगी। अच्छी तरीके से सिक रही हैं। ये मटरी हमारी फ्राई हो गई है, अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये रही खस्ता कुरकुरी मेथी की मटरी। इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ, मेयोनीज के साथ जैसे मर्जी हो वैसे खाइए और आनंद उठाइए। इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें बताइए कि हम इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रेणु शुक्ला का नमस्कार।